वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेषा'स क्रिएटिविटी। और आज का वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि हमें जिनको भी प्लांट लगाने का शौक़ होता है वो अक्सर कुछ गलतियाँ कर बैठते हैं गार्डनिंग करते टाइम, और उसके बाद में उनके जो प्लांट होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और उसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल जो होता है वो प्लांट की केयर के अलावा होता है पॉट्स का, कि हम कौन से प्लांट को किस पॉट में लगाते हैं। तो आज मैं बात करूंगी आपके साथ में पॉट्स के बारे में कि हमारे लिए हमारे प्लांट्स के लिए किस तरीके के पॉट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं और किस तरीके के प्लांट्स के पॉट प्लांट पॉट जो होते हैं किस तरह के प्लांट्स के लिए ज़्यादा सुइटेबल होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ ये प्लास्टिक पॉट्स के बारे में। तो प्लास्टिक पॉट्स जो होते हैं, इस टाइप के प्लास्टिक पॉट जो होते हैं, ये नर्सरी में आसानी से आपको अवेलेबल हो जाते हैं। और नर्सरी में क्या, ये आपको सभी जगह अवेलेबल हो जाते हैं। और जब कभी भी हम प्लांट्स ख़रीदते हैं तो हमें अक्सर काले रंग के पॉट में हमें प्लांट्स किए हुए मिलते हैं, तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो आप सभी को पता होगा कि काला रंग जो होता है वो गर्मी को ज़्यादा अब्सॉर्ब करता है। और इसके अलावा मैं बात करूं इस टाइप के, जैसे ये वाले जो होते हैं ना, कई कलर्स में आते हैं ये प्लास्टिक के पॉट्स भी। तो जैसे एक तो होते हैं काले कलर्स में, एक होते हैं इस टाइप के कलर में, और मतलब डिफरेंट से कलर में, और एक होते हैं कलरफुल। तो ये तो खैर मैंने पेंट किया है, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली बात तो काले कलर की बात करती हूँ। तो काले कलर के जो नर्सरी में पॉट लगे हुए आते हैं उनको आप हमेशा रिपॉट ज़रूर करें, क्योंकि जो काला कलर होता है वो आपके पौधों को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड करता है। जड़ें उसकी ख़राब हो जाती है, गर्मी ज़्यादा देता है, एब्जॉर्ब करता है गर्मी को, तो इस वजह से हमारे जो प्लांट होते हैं उनकी जड़ें ख़राब हो जाती हैं, तो प्लांट भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये तो रही काले पॉट की बात। अब बात करती हूँ मैं इस तरीके के पॉट्स की, या फिर ये इस टाइप के पॉट जो होते हैं, ये वाले पॉट भी अगर हम प्लास्टिक के पॉट अपने गार्डन में लगाते हैं तो उसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की मैं बात करती हूँ। तो अगर मैं इसके फ़ायदों की बात करूँ तो सबसे अच्छी बात है रीज़नेबल प्राइस पर मिल जाते हैं, दूसरी बात है कि कलरफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं गार्डन में लगाए हुए। जैसे ये है इस तरीके से प्लांट पॉट है, तो और इस तरीके के भी हैं आप देख सकते हैं, मैंने भी लगाए हुए हैं, तो गार्डन में लगाए हुए सुंदर भी लगते हैं, इनमें होल भी आसानी से कर सकते हैं, रीज़नेबल प्राइस पर भी मिलते हैं, और इसके अलावा आप इनको ये लाइट वेट भी होते हैं, तो कहीं पर हैंग भी कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो कर सकते हैं। लेकिन इनके डिसएडवांटेज क्या हैं, वो ये हैं कि इसमें भी प्लांट जो होते हैं, जो मिट्टी होती है, ये भी गर्मी को ज़्यादा अब्सॉर्ब करते हैं, प्लास्टिक के पॉट जल्दी गर्म हो जाते हैं जिसकी वजह से पौधे की जड़ें ख़राब हो जाती हैं। तो अगर इनको सारा दिन धूप में रखने के लिए आपने लगाया है तो फिर आपके प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा ऐसे पौधों का चुनाव करें प्लास्टिक के पॉट में लगाते टाइम जो कि या तो सेमी शेड में रहते हैं या फिर शेड में रहते हैं। तो शेड वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं अगर वो आप प्लास्टिक के गमलों में लगाएंगे तो वो अच्छे से चलेंगे। दूसरी चीज़ बात करते हैं अब इस तरीके के सेरेमिक पॉट की, सेरेमिक पॉट की, और फिर मैं करूँगी बात इसके साथ साथ ये सीमेंटेड पॉट की। तो सेरेमिक पॉट जो होते हैं और सीमेंटेड पॉट जो होते हैं इस तरीके के, तो सेरेमिक पॉट देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और अगर गलती से भी ये गिर जाते हैं आपसे तो ये ख़राब हो जाता है, ये पॉट बहुत आसानी से ख़राब हो जाता है। अगर ये हल्की सी हाइट पर से भी गिर जाता है तो ये ब्रेक हो जाता है। उसकी अपेक्षा अगर आप ये सीमेंटेड पॉट लेंगे तो सीमेंटेड पॉट थोड़ा मजबूत रहता है, लेकिन इस टाइप के पॉट में अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो दिक्कत क्या होती है, ये मिट्टी को जो है वो अल्कलाइन बना देता है, और जितने भी एसिड लविंग प्लांट होते हैं जैसे कि गुलाब हो गया, मोगरा हो गया, तो उसमें मिट्टी को आपको फिर ये जो होता है, मैंने आपके साथ में कई सारी इसकी मिट्टी की गुणवत्ता को बनाने के लिए मैंने आपके साथ में कई सारे फर्टिलाइज़र शेयर किए हैं, तो ये आपको फिर इसकी, अगर आपने इसमें सीमेंटेड पॉट में गमले में पौधे लगाए हैं तो फिर उस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा। तो सीमेंट के गमलों में या फिर
इस टाइप के गमले में, सेरेमिक के गमलों में आप पौधे इस तरीके के लगाइए जिनको एसिड लविंग प्लांट जो होते हैं वो ना लगाएं इसमें बिल्कुल भी। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट लगा सकते हैं जिनको एसिड लविंग प्लांट नहीं हैं। तो मैंने आपके साथ में बात करी प्लास्टिक के पॉट्स की, सेरेमिक के पॉट्स की और इस तरीके के ये सीमेंटेड पॉट की। अब बात करती हूँ मैं आपके साथ में जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं आपकी बैल्कनी में लगे हुए प्लांट पॉट, और आजकल ट्रेंड में भी है, वो हैं लकड़ी के पॉट। तो जी हाँ, लकड़ी के पॉट जो होते हैं प्लांट पॉट, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं आपकी बैल्कनी में लगे हुए, और इसमें हवा का एरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन इसके साथ में दिक्कत क्या है कि लकड़ी के पॉट जो होते हैं उसमें कीड़ा लगने का ज़्यादा डर होता है। तो अगर आपने कभी भी लकड़ी के पॉट में प्लांट्स लगाए हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात ये है कि लकड़ी की क्वालिटी जो होती है वो अच्छी होनी चाहिए, और उसको साल में एक बार आप रिपोर्ट ज़रूर करें कि आपकी लकड़ी के जो पॉट हैं वो बिल्कुल ठीक हैं कि नहीं। तो इस तरीके से इनकी आप केयर कर सकते हैं। इसके बाद में मैं बात कर रही हूँ आपसे इस टाइप के जो टीन के या लोहे के जो प्लांटर्स होते हैं वो, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, और आपको मार्केट में ऑनलाइन सब जगह पर ये इस टाइप के कलरफुल प्रिंटेड बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रिंट में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसमें हालांकि प्लांट लगाने में अच्छा रहता है, पौधों को आयरन भी मिलता रहता है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये जो प्लांट पॉट होते हैं इसमें होल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको होल किए हुए प्लांट पॉट मिल जाते हैं तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये कि आप इन प्लांट पॉट्स को भी टाइम टू टाइम रिपॉट करके देखें। कम से कम साल में एक बार तो आप इनको रिपॉट करके ज़रूर देखें कि इसमें आपके प्लांट्स का अच्छे से ग्रोथ हो रही है, और रूट बॉन्डिंग अगर हो जाती है तो फिर इसमें प्लांट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है साल में एक बार। अब बात करती हूँ, तो इसके बाद में बारी आती है इस टाइप के फैब्रिक पॉट्स की, और ये प्लास्टिक में भी आते हैं, ग्रो बैग्स जो आपको ऑनलाइन पर मिल जाते हैं, और ये कपड़े के भी आते हैं। जैसे कि मैंने सुपर पॉट से लिए थे ये ग्रो बैग्स, और काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं इस टाइप के ग्रो बैग, और रेक्टेंगल भी होते हैं, स्क्वायर भी होते हैं। इसमें पॉट लगाने में, प्लांट लगाने में ये फ़ायदा होता है कि आपके प्लांट को एरेशन बहुत अच्छी मिलती है, और इस पॉट में बहुत अच्छे से आपका जो प्लांट है वो ग्रो करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें हवा आर पार आसानी से हो जाती है। हालांकि ये देखने में उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप इसमें अपने प्लांट्स ग्रो करेंगे तो आपके प्लांट्स जो हैं वो बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक के जो ग्रो बैग आप ऑनलाइन पर और मार्केट में भी देख लेंगे, वो देखने में भी बेकार लगते हैं, मतलब इतने अच्छे नहीं कहूँगी, क्योंकि उनकी क्वालिटी अगर आपने अच्छी वाली ली है, सुपर क्वालिटी के अगर आप लेंगे तब तो उसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे गार्डनर जो होते हैं वो उस टाइप के ग्रो बैग्स में प्लांट्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक तो वो लाइट वेट होते हैं, इस टाइप के ग्रो बैग जो होते हैं ये भी लाइट वेट होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इसमें प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं और स्पेस भी कम लेते हैं। तो इस टाइप के ग्रो बैग्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी तरह के वेजिटेबल या फिर फ्लावर्स या फिर कोई भी प्लांट्स आप आसानी से ग्रो करते हैं। और इसके बाद में सबसे लास्ट में मैं बात करूंगी इस तरीके के क्ले पॉट्स की। ये क्ले पॉट्स आपको आसानी से कहीं पर भी अवेलेबल हो जाएंगे, आपको आसपास की नर्सरी पर, आपको आसपास जो मिट्टी के घड़े वगैरह बेचते हैं वहाँ पर भी आसानी से मिल जाएंगे। और इनका फ़ायदा ये होता है पॉट्स का कि ये बहुत ज़्यादा एक तो कॉस्टली नहीं होते हैं, दूसरे इसमें मिट्टी पोरस रहती है, क्योंकि पोरस होते हैं ये गमले जो होते हैं, इसमें हवा का एरेशन भी बहुत अच्छे से होता है, तो और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि अगर आप गार्डनिंग में बिगनर हैं और आपके प्लांट्स ग्रो नहीं होते हैं तो आप इन पॉट्स को भी यूज़ करके एक बारी देख सकते हैं। उसके अलावा कि अगर इनके ऊपर आपने कोई भी मैट फिनिश का पेंट किया है, मैंने इसके ऊपर ऑयल पेंट किया है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर कोई भी मैट फिनिश का पेंट करते हैं, मैंने किस तरह के गमलों पर किस तरह का पेंट करना चाहिए वो भी शेयर किया है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी साल तक चलते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपको आज पॉट्स, सभी तरह के पॉट्स की पूरी जानकारी दी है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना रखें। जल्दी ही मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।